कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम की पीएम मोदी से मुलाकात। शनि और राहु के ग्रह से कांग्रेस नेताओं में पड़ी भागम भाग। आचार्य की तरफ से पीएम मोदी से मुलाकात, यानी गई भैंस पानी में। कांग्रेस के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कर दिया खेला। दरअसल आप जानते हो कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है, भले ही कोई परिवार का मुखिया हो या मित्र हो या फिर कोई और। हालांकि कांग्रेस की हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के पहुंचने तक सारे वरिष्ठ नेता और पार्टियां अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं, यानी गठबंधन की हवा निकाल दी है। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम का आशीर्वाद अयोध्या लेने पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम आजकल सुर्खियों में है। वे अपनी बेबाक राय और कांग्रेस के पसीने छुड़ाते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं। वैसे ही आज फिर से आचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तो आचार्य जमकर वायरल होने लगे। आचार्य के मुलाकात करने के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बौकाल कट गया है। आचार्य के बारे में कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव बाबा भाजपा से ही लड़ेंगे और कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि बाबा बहुत जल्द कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में आ सकते हैं। लेकिन हम आपको बताते चले कि बाबा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात क्यों की है। दरअसल कांग्रेस नेता और कल की पीठाधीश्वर के नाम से विख्यात आचार्य प्रमोद कृष्णम ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें कल की मंदिर के शिलान्यास समारोह का न्योता दिया है। बता दें कि 19 फरवरी को संभल में कल की मंदिर का शिलान्यास होना है। वहीं पीएम मोदी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम न्योता को स्वीकार किया है और इसे लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट भी जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट लिखा है कि आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर पर हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार आचार्य प्रमोद कृष्णम। इसलिए पहले कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए निमंत्रण की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार और साधुवाद। गौरतलब है कि संभल जिले के एचौड़ा कम्बोहा गांव में हर साल कल्की महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 5 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के तमाम साधु संत और राजनीतिक दल से जुड़े नेता शिरकत करते हैं। कांग्रेस नेता और कल्की पीठाधीश्वर के नाम से विख्यात आचार्य प्रमोद कृष्णम इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। बात यहीं पर नहीं रुकती है। राहुल गांधी की जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कोई न कोई एक अनहोनी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा है वो सफल है या असफल है? हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।